गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, मेल इनफर्टिलिटी और एक स्वस्थ बच्चे के लिए जो जेनेटिक्स और फीटल मेडिसिन होता है उनमें मैं स्पेशल काम करता हूँ। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनको हम डिस्कस करते हैं। कई कमेंट्स के क्वेश्चंस हमको छोड़ने पड़ते हैं जो कि काफ़ी पर्सनलाइज्ड होते हैं, तो उनके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। जो हमको लगता है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं हम उनको लेते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बीटा HCG का लेवल लो है, क्या प्रेगनेंसी ठीक रहेगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा HCG जो ये एक ब्लड का केमिकल है, एक हार्मोन है। ये जो हार्मोन है ये बच्चेदानी में जो प्रेगनेंसी होती है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, एग और स्पर्म का मिलन हुआ, फिर उसके बाद ये चल के इधर 5 दिन में इधर आके बैठता है। ये जो बैठना है ये बैठने में एक ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में पहुंचता है। उसमें एक इनर सेल मास एक ग्रुप रहता है सेल का, उससे बेबी बनता है। और ये जो एक सेल रहता है इसके चारों तरफ जिसमें ये एक अटैच होता है यहाँ, उसको ट्रोफो एक्टोडर्म बोलते हैं या ट्रोफो ब्लास्ट बोलते हैं। ये जो ट्रोफो ब्लास्ट है, ये ट्रोफो ब्लास्ट एक केमिकल बनाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। इसके दो चेन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा दूसरों से इंटरैक्ट करता है, इसलिए हम बीटा चेन उसका स्पेसिफिक कट टेस्ट करते हैं ब्लड में। ये जो बीटा HCG का लेवल है महिला के ब्लड में, क्योंकि उसके ब्लड में यूट्रस के थ्रू ब्लड में जाता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी बढ़ती है और ये सेल का मास बढ़ता है। तो जो बीटा HCG का जो लेवल है वो एक ये दर्शाता है कि ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी कैसी है, प्लेसेंटल जो बनेगा उसके जो सेल की एक्टिविटी कैसी है। तो यदि ये बहुत कम रहे, जो मैं कम बोलता हूँ 100 के नीचे, तो ऐसा नहीं है कि 100 के नीचे प्रेगनेंसी नहीं होती। अभी एक 37 बीटा HCG मिली इंटरनेशनल यूनिट बीटा HCG में भी हमको फीटल हार्ट दिख गया। तो बट ये जो लेवल है, इस लेवल को से हम अंदाज लगा सकते हैं काफ़ी हद तक कि ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। ये एक अंदाज है, पर ये कोई ऐसी गारंटी नहीं रहती है कि इतना बीटा HCG होगा तो बच्चा अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। कई बार बीटा HCG पॉजिटिव रहे, ट्रोफोब्लास्टिक एक्टिविटी रहे और बेबी नहीं बने, तो ये स्थिति भी होती है। कई बार ये ट्रोफोएक्टोडर्म जो है वो ट्यूमर का रूप भी ले लेती है, उसको वेसिकुलर मोल बोलते हैं, उसमें बीटा HCG बहुत बढ़ जाती है। तो वो बीटा HCG बहुत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये एक अपरेंट एक आभासी तरीका है देखने का कि प्रेगनेंसी का लेवल कैसा है। 14 वीक की प्रेगनेंसी है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्या करना चाहिए? 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में थोड़ा सा यदि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और यदि उसमें बदबू नहीं है, उसमें फाउल स्मेल नहीं है, उसमें खुजली नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होता है, बट यदि उसमें इरिटेशन है या उसमें खुजली हो रही है तो आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। नो पीरियड सिंस 1 ईयर, व्हाट टू डू? पीरियड यदि नहीं आ रहा है सिंस 1 ईयर, तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाई देयर इज नो पीरियड सिंस 1 ईयर। अब यदि पहले पीरियड आता था और अब पीरियड नहीं आता है, तो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है। इसको वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक आपकी जांच नहीं कर सकते, या तो आप किसी हार्मोन वाले डॉक्टर से या फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट से जो कि एंडोक्राइन देखते हैं उनसे आपका संपर्क करके इसका वो पता कर सकते हैं। हस्बैंड सिकल सेल कैरियर हैं और वाइफ थैलेसीमिया कैरियर हैं, क्या बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि वाइफ सिकल सेल कैरियर ना, यस, और यदि हस्बैंड थैलेसीमिया कैरियर, ये जो दोनों बीमारी हैं, ये दोनों बीमारी जो हीमोग्लोबिन, तो उसमें एक हीम इसमें आयरन होता है और एक ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसके दो चेन बनते हैं अल्फा और बीटा। ये बहुत ज़रूरी है नॉर्मल रूप में रहने के लिए,
एक अच्छा हीमोग्लोबिन रहेगा तो ऑक्सीजन की जो कैरी करने की कैपेसिटी रहेगी जब हम सांस लेते हैं, उससे हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन मिलती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस हीमोग्लोबिन को बनने के लिए एक अच्छा हीम बनना चाहिए, अच्छा ग्लोबिन बनना चाहिए। इस ग्लोबिन को बनने में दो प्रकार के प्रोटीन चेन लगते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये जो बीटा वाला जो चेन है, इस बीटा चेन में इसका जो बनाने वाला डीएनए है, उस डीएनए में यदि मान लीजिए कि इधर खराबी तो भी बीटा ग्लोबिन गड़बड़ बनेगा, मान लीजिए इधर खराबी तो भी गड़बड़ बनेगा। अब हस्बैंड का एक पार्ट नॉर्मल है और एक पार्ट गड़बड़ है कहीं पर, तो ये हो गया सिकिल की जहां गड़बड़ी होती वो सिकिल। ऐसे ही फीमेल का एक क्रोमोसोम एक वाला लड़ी सही है और एक में गड़बड़ है जो कि इधर पर गड़बड़ है, तो भी ये बीटा जेन चूंकि ये कैरियर हैं तो एक जो अच्छा है वो उसको लेके चल रहे हैं और एनीमिया रहेगा पर ये स्वस्थ रहेंगे। अब जब ये बच्चा पैदा करने जाएंगे तो यदि इसका और इसका मिलन हुआ तो एक तो माँ ने जो दिया, जो फादर ने दिया उसकी गड़बड़ी इधर, और मदर ने जो दिया उसकी गड़बड़ी इधर, तो दोनों मिलके जो बच्चे के पास बीटा ग्लोबिन चेन का गड़बड़ी दोनों साइड से आ गया तो इसमें सिकल सेल थैलेसीमिया का कंपाउंड हेटरोजाइगस होके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम थैलेसीमिया मेजर से थोड़ी सी हल्की होगी बट डेफिनेटली बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका प्रीनेटल जांच जरूर करा लेना चाहिए, और यदि प्रीनेटल मतलब पहले 3 महीने में जांच कराना चाहिए। पहले 3 महीने में जांच यदि आप सोचते हैं तो हस्बैंड वाइफ को अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन का जेनेटिक टेस्ट भी करा लेना चाहिए। केवल HPLC से पता चलेगा कि ऐसा है, पर कौन सा म्यूटेशन है वो जरूर देख लेना चाहिए पहले। डे 4 के एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस कहते हैं या डे 5 के? ओके, डे 4 का ब्लास्टोसिस्ट है कि डे 5 का जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो के यदि आप टाइमलाइन देखोगे तो ये 0 जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये जो तीसरा दिन रहता है इसको बोलते हैं, जो मलबेरी टाइप का बहुत सारे सेल का गोला रहता है उसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला का मतलब होता है शहतूत जैसा। इसके बाद एक एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेशन होता है, जो तगड़ा है वही टिकता है। इसके बाद ये सेल की जो लाइनिंग है, ये सेल की लाइनिंग आपस में मर्ज हो जाती है डे 4 में, तो आप अलग अलग सेल देख नहीं पाओगे माइक्रोस्कोप में। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्टेट। तो जो डे 4 का एम्ब्रियो रहता है नॉर्मली वो कॉम्पैक्ट स्टेट में रहता है, इसको कॉम्पैक्शन भी बोलते हैं। डे 5 में जाते जाते इसमें एक रीअरेंजमेंट होते हैं सेल्स के, कुछ सेल्स यहाँ चले जाते हैं और कुछ सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इनर सेल मास, इसको बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म, और ये वाला ब्लास्टोसील, और पूरे को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कई बार जब एम्ब्रियो अच्छे रहते हैं, एग में बहुत अच्छा पावर होता है, तो डे 4 में ही हमको कुछ कुछ कैविटी ऐसी ब्लास्टोसिल दिखाई देने लगे, तो हम इसको ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, पर इसको हम अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। पर नॉर्मली जो डे 4 का एम्ब्रियो रहता है उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं, डे 5 को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। डे 5 के यदि फास्ट ग्रो कर रही है तो इधर पर ब्लास्टोसिस्ट मिल सकता है, पर यूजुअली ब्लास्टोसिस्ट डे 5 और डे 6 में मिलता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा, दूसरे को बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे हमको बहुत एक हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।